तो क्या हाल है? अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरा भी अच्छा है। तो आपने इस चैनल को अपना बनाया या नहीं बनाया अभी तक? नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? क्या यार, सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद वीडियो देखो, ठीक है? एक चीज़ तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सिर्फ मैथ्स और साइंस से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि बहुत ही जल्दी हम लोग लैंग्वेजेस का वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग हिंदी क्लासेस और कन्नड़ा क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग वीडियोज अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पे। सब्सक्राइब करने में ऐसा तो है नहीं कि कुछ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन छोटा सा है बट इंटरेस्टिंग है, रियली में इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा आपको, तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर उसको ट्राई कीजिएगा, खुद से सोचने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता है, नहीं समझ में आता है कैसे करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रियली में इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और आंसर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट पे है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 - √2। है ना छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, देखिए है ना छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने का, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्लिक करने के अनुसार होता है। अगर क्लिक कर गया ना तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं क्लिक किया तो आप परेशान हो जाओगे, नहीं बनेगा, ठीक है? तो ट्राई करके देखो, सोचो अभी तक आपने 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th 10th में बहुत सारा चीज़ पढ़ा है, बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? तो ट्राई कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है जिससे हम सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज अगर आप कोई ट्रिक नहीं अपनाते हो यहाँ पे, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हो यहाँ पे ना, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर आप सोल्व करना चाहें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है √2, और इरेशनल नंबर कैसे आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी रैशनल नंबर को, तो वो भी इरेशनल बन जाता है, और साथ में एक और इरेशनल नंबर है ऊपर से रूट एक और, तो होगा ना डिफिकल्ट। इरेशनल नंबर का सवाल जब भी आता है तो क्वेश्चन फिर ट्रिकी हो जाता है। ट्रिक लगाओ और उसको आराम से सोल्व करो, वरना आप ट्राई करते रह जाओगे, सोल्व नहीं होगा। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन आपको सोल्यूशन देखने से पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है, ठीक है? चलिए जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखिए, ये रैशनल नंबर्स का वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते हैं कि √2 का कितना वैल्यू होता है एग्जैक्ट। हाँ, ये पता है 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। ये रैशनल नंबर्स का कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल बन जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा तोड़ मड़ोड़ करना होगा जिससे कि ये किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पे बन जाए और ये रूट हट जाए। अब देखिए, रूट हटना है, हटाना है तो हमें इसको स्क्वायर के रूप में लाना पड़ेगा, तभी ना स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें इस चीज़ को एक स्क्वायर के रूप में लिखना है। अब स्क्वायर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे √3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 को हम लोग 2 + 1 लिख सकते हैं क्या? अब 2 + 1 क्यों मैं लिख रहा हूँ? तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 3 को 2 + 1 लिख देता हूँ, इसके बाद -2 √2 है, तो ये एक a - b² के फॉर्म में बनता हुआ मुझे दिख रहा है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अभी देखिए, अभी तुरंत दिख जाएगा। तो 2 + 1 को, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? √2² 1 को क्या लिख सकते हैं? 1² -2 √2 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए a² + b² अब क्लिक कर गया होगा, कर गया ना?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको माइनस टू ए बी के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो माइनस टू ए बी मीन्स माइनस टू इंटू ए कितना है, रूट टू है, बी कितना है, वन है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज नथिंग बट ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर इन साइड अंडर रूट। ठीक है, तो रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, रूट टू माइनस वन, दिस इज आवर आंसर। अगर अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है पॉइंट के फॉर्म में, सो रूट टू कितना होता है 1.414 माइनस वन, तो क्या मिलेगा हमें 0.414, दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारा आने वाला है इस चैनल पे, बहुत सारा आने वाला है चैनल पे, और आपको सही में बोल रहा हूँ, अगर लगातार हमारे वीडियोस को अगर देख लिए ना, तो आपको मैथ्स में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा मैथ्स को लेकर के। ऐसा लगेगा कि अब मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं सोल्व कर सकता हूँ। और मेरा दावा है आपसे कि अगर हमारे चैनल के कुछ वीडियोज़ को आप देख लेंगे ना, और जो फ्यूचर में आने वाले जो वीडियोज, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाला है, अगर आप उन्हें देखते हैं तो किसी भी सवाल, कोई भी मैथ्स का सवाल आपके सामने अगर आ गया ना, तो आपको एक बार ट्राई करने का मन जरूर करेगा। ये मेरा गारंटी है कि मैं आपका ऐसा माइंडसेट बना दूंगा। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।